कभी वो भक्ति है ना झुकती है ना रुकती है ना थमती है ना थकती है। शक्ति है, वो 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 शक्ति है। वो शक्ति है कि जिसको अपनी शक्तियों का ज्ञान है, जिसके हाथ में कमान लक्ष्य पर ही ध्यान है, जो चक्रवात की लहर के सर पे चढ़ के झूम ले, कि प्रश्न चिन्ह तोड़ कर जो उत्तरों को चूम ले। जो आग और बर्फ दोनों साथ लेके चलती है, जो तीर में बदलती है, जो ढाल में भी ढलती है, जो एक पल में अग्नि है, जो एक पल में नीर है, जो पत्थरों की स्याही से खींची हुई लकीर है। वो आ गई जो जिद पे दो नदी का रुख भी मोड़ेगी, जो ले दिया है बार प्रण वो करके छोड़ेगी, लाख उसके इम्तिहान ले ले कोई भी डगर, ना दर्द की उसे फिकर, ना चोट का ही कोई डर। आज वो हनुमान चालीसा बॉय हमारे बीच में नहीं है, वो बेंगलोर चला गया है शादी के लिए, लेकिन हमारी बेटी मंजू है जो हनुमान चालीसा का पठन करेगी। बाद में प्रोग्राम जो रेगुलर है दीप प्रज्वलन के साथ हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। ये जब से हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है, दिस इज द 46th मंथ, वी आर ऑन द कॉर्नर ऑफ फोर्थ ईयर, मिस कंप्लीशन ऑफ फोर्थ ईयर, लेकिन मंजू दीदी हमारे साथ है। हाँ, राधे राधे। ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए मंजू जी से रिक्वेस्ट करेंगे, मंजू विश्वकर्मा से रिक्वेस्ट करेंगे हनुमान चालीसा का पठन। यहाँ पे आप सभी माताओं को उमन डे का हार्दिक हार्दिक शुभकामना। हम आप सभी को विनती करते हैं कि जैसे हम संस्कृति पालन करते हैं, तो आप अभी सभी अपने पैरों से जो पादुकाएं पहने हैं चप्पल को निकाल दीजिए। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वन रऊ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार,
सर्वबुद्धि विद्या देहु हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सिद्धि लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलिदामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम अजिरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बज्रे और ध्वजा विराज, कांधे मूज जनेऊ साज। शंकर सुमन केसरी नंद, तेज प्रताप महा जगवंत। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरिसी भिकावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारी, रामचंद्र जी के काज सवारी। लाय संजीवन लखन जियाय, श्री रघुवीर हरि सिउर लाय। रघुपति की न बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाल। सहस बदन तुम्हारो जस गावे, अस कहसी पति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। जनु कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि गोविंद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राजपति दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, दिल्योता ही मधुर फल जान। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत नया क्या बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे, तीन लोक हाथ के कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जहां सुनावे। रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, पन कर वचन ध्यान जोड़ावे। जो राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ पहिरावे, सोई अमृत जीवन फल पावे। चारो जुग पर ताप तुम्हारा, है परिसीत जगत उदियारा। सत्य के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असुर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चित्त न धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बनि वीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाय। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मंडेरा।
संकट हरण मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसउ सुर भू सियावर राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय। राधे राधे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम की जो शुरुआत करने जा रहे हैं, मुझे बताना चाहिए कि वी आर शॉर्ट बाय 24-25 मिनट्स, और उसकी वजह भी है हर रोज मिस हर महीने 6 बजे हम एंट्री लेते हैं स्कूल में, लेकिन एट प्रेजेंट SSC एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, तो SSC के एग्जाम्स में स्कूल पूरा पुलिस प्रोटेक्शन में रहती है, और जब तक जो एग्ज़ाम में 10-15 मिनट एक्स्ट्रा दी जाती है, वो जो नया रूल होते हैं, 6:20 को हमें एंट्री मिली, और बाद में ये सब जो अरेंजमेंट इमीडिएटली जो संजय भाई मालिक का जो पूरा जो स्टाफ है वो हो सका, तो वजह बतानी ज़रूरी है कि SSC बोर्ड की वजह से हमें 20 मिनट हम थोड़ा देरी से प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। शुरू करेंगे दीप प्रज्वलन से। मैं यहाँ से आज जो प्रोग्राम है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, वो जो हमारी भारतीय परंपरा है, तो उस हिसाब से बहनों का आशीर्वाद लेने का मौका हमने लिया आनंद क्लासेस, लालजी सर आनंद क्लासेस एवं संजय भाई माली स्नेहा कैटरर्स की ओर से ये महिला दिन का प्रोग्राम का जो आयोजन किया गया है, इसकी शुभ शुरुआत दीप प्रज्वलन से करेंगे, और चंद्राबेन को भी न्योता देंगे, वो साथ में ज्योत से ज्योत जगाते चलो का भजन भी साथ में गाएंगी। मैं यहाँ से निमंत्रण दूंगा, अनसुया बहन जी आइए प्लीज़, शारदा बहन आओ, दीप प्रज्वलन माटे पहला आओ, माया बहन कोठारी विशेष परिचय अपने स्टेज पर आपसू, प्रभा बहन पोपट दीप प्रज्वलन माटे, આજે નારી શક્તિનું પૂજન થઈ રહ્યું છે અમે સમજીએ, અને નારી શક્તિનું છે એટલે અમે પુરુષો થોડા સાઈડમાં રહેવાની કોશિશ કરશું। મનોરમાબેનની જગ્યા પર દર્શના બેટી આવી છે, સંધ્યાબેન હજી પહોંચ્યા નથી મને લાગે છે, હેજલ આવી ગઈ, હેજલ અચ્છા અચ્છા આવે છે, વાંધો નહીં, ફાલ્ગુની પણ હજી પહોંચી નથી, કોઈક અગત્યમાં અટકાઈ ગઈ છે છોકરી। કવિતાબેન, કવિતા ટારી બેન બોલવાનું જરાક લાગે છે, કવિતા દીકરી છે અમારી, મનીષાબેન વીરા આવો, વૈષ્ણવી અય્યર આઈએ, અને નેહા જોશી દીપ પ્રજ્વલન વખતે આપણે આપણા ચરણ પાદુકાઓ બાજુ પર રાખશું, અને નીતલ અમારી જે એવરગ્રીન અમારી મારો રાઈટ હેન્ડ કહી શકાય તે દીકરી મારી, તો એ પણ સાથે આવશે, અને દીપ પ્રજ્વલનથી શરૂ કરશું ચંદ્રબેન તમે। જગાકે ચલો જ્યોત સે જ્યોત, જગાકે ચલો પ્રેમ કી ગંગા બહાતે ચલો, પ્રેમ કી ગંગા બહાતે ચલો, રાહ મેં આવે જો દીન દુખી, રાહ મેં આવે જો દીન દુખી, સબકો ગલે સે લગા કે, સબકો ગલે સે લગા કે ચલો, ઇસ કાન કોઈ સંગી સાથી, ઉસ કા હૈ રખવાલા, જિસ કાન કોઈ સંગી સાથી, ઉસકા હૈ રખવાલા,
ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगा के चलो, सबको गले से लगा के चलो। जिस कान कोई संगी साथी का है रखवाला, ज्योत से ज्योत जगा के चलो। चलो ना प्लीज, अभी भेगा चलो, अभी भेगा। प्लीज અનુસેબેન પછી સાધાબેન, સાધાબેન હતો મતે માયાબેન કોઠારી આજે નેમ પ્લેટ બનાવી હતા, પ્રભાબેન પોપટ, પ્રભાબેન અન બાજુ થઈ જાય, રીટા રીટા અન બાજુ, અન બાજુ થઈ જાય, કોઈ બાજુ સેન્ટરમાં છે ને, મનોરમા બેન ની જગ્યા પર આવશે દર્શના બેટા, આવું રાહુલભાઈ વેલકમ, રાહુલભાઈ તો નજર આ ગયા, સંધ્યાબેન, ઓકે સંધ્યાબેન ત્યાં સુધી, જરા નેમ પ્લેટ લખેલી છે, હા પછી સંધ્યાબેન પછી મન દર્શના તો
हेजल हेजल आवी छे वाह नाम लिया और इंसान हाजिर बदाज वीआईपी छे पर आज आवी रही छे ते जोरदार ताड़ियों थी वदाओ पछी आपणे एना दरेक ऊपर आ बेटा हेजल ऊपर आवो आवो ફાલ્ગુની જીગ્યુ આવી છે કવિતાબેન પંકજ ચારી કવિતાબેન હા મનીષાબેન મીરા જોશી પણ અહીંયા આવશે આજ કે પ્રોગ્રામ મેં જૈસે આપ બહેનો મેં દેખ રહે હૈ જયાબેન સુંદરજીભાઈ શાહ આને વાલે થે લેકિન ઉનકી ફેમિલી મેં કુછ ડેથ વેવાઈનું એમનું કોઈ ડેથ થઈ ગયું છે ડેથ એટલા માટે એ હમણાં એક બે દિવસ નહીં નીકળે બહાર ઓર એક મનીષા સચિન રૂપારેલ જો હૈ પાવર વુમન જિસકો બોલતે હૈ હમ सचिन को आपने देखा होगा बहुत से प्रोग्राम में तो उनकी वाइफ मनीषा तो उनको सडनली दिल्ली जाना हुआ तो उसके लिए वो भी आज नहीं आ पाई तो बाकी कि हमारा गौरव है कि आज ये 12 जो नारी शक्ति है वो हमारे साथ है मुझे याद रहा है माया बहन भी उसकी गवाह है कि सासोताड़ी में जब एक प्रोग्राम था तभी 11 के 11 जो मुलुन रत्न अवार्ड जो दिए गए थे उसमें भी आनंद क्लासेस का और एक राजस्थान की संस्था थी साथ में मिलके जो किया था तो पूरा मंच जारे हमारे साथ था। ये हमारा एक अहोभाग्य है कि ऐसे कार्यक्रम में परस्पर जो एक विश्वास की बात है जो होती है तो वैसे मंच का जो आशीर्वाद लेना है लेंगे लेकिन साथ में जो नारी शक्ति और है जो तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि आज महिला दिन है हमारी जो लीडिंग महिला जो तो सम्मान करेंगे लेकिन बाकी की जो महिला हैं उनको भी मैं न्योता दूंगा और स्नान स्थान ग्रहण करेंगी। पहले तो भानुबेन आइए भानुबेन अचो मते आज महिला दिन की पूर्व संध्या पर ये जो प्रोग्राम रखा गया है उसमें आप देख सकते हैं कि खाली जश्न ही नहीं मनाना है साथ में जो कॉन्क्रीट रचनात्मक कार्य भी होना चाहिए। 212 लिस्ट दी गई आपको 212 लोगों को आज यहाँ से राशन किट दी गई है दी जाएगी साथ में ये जो स्विंग मशीन है सिलाई मशीन दिया जाएगा किसी को जो टॉयलेट चेयर है किसी को वॉकर 3 से 4 स्टिक ये सब यहाँ से निष्प्रय भाव से निःशुल्क कुछ भी नहीं मतलब कोई भी जात की कोई कष्ट रस्म नहीं फक्त आपने बताया कि चाहिए और हम कोशिश करते हैं कि जो वो चीज़ आप तक पहुंचे वैसे हमारी हमारा प्रयास रहेगा। और आज का जो जो ये प्रोग्राम है उसमें जो योगदान है तो शारदा बहन का भी आज के प्रोग्राम में योगदान है साथ में हेजल कहाँ गई बराबर ना हाँ उसका भी छोटा सा कंट्रीब्यूशन है इसमें 212 जो किट दे रहे हैं। संध्या बहन आओ ऊपर संध्या बहन साथ में स्वामी सच्चिदानंद चिन्मय मिशन के आशीष भाई आए थे ना आशीष भाई
अरे असी भी अग्गे आ जाओ, अग्गे आ जाओ, अग्गे आ जाओ, प्लीज प्लीज, हरे हरे अग्गे आ जाओ प्लीज। आज साथे जो भी है साथी आ जाओ जरा प्लीज, तालियां हो जाए। हर हर महीने इनका हमारे साथ जो इनमें मिशन जो मुलून है इनका हर महीने हमारे साथ योगदान देता ही है। साथ में नीतल बहन जो प्रोग्राम तो संभालती है, साथ में इनका भी योगदान रहता है। सचिन रूपारेल, जिमित मेहता, कुसुम बहन, अनम, धीरज भाई जो एक्चुअली उनके जन्मदिन में के लिए अगले महीने देना था, लेकिन अगले महीने पूरा प्रोग्राम जो आरजे शाह परिवार के नाम था तो इसके लिए हमने शिफ्ट किया, क्योंकि हमें तो आगे बहुत चलना है इसके लिए। तो धीरज भाई जो है उनके जन्मदिन के अवसर पे जो योगदान था वो आज यहाँ से दिया जाएगा। हीरालाल भाई मृग परिवार का भी आज के प्रोग्राम में योगदान है। तो ये सब मिलके ये जो यज्ञ कार्य है वो हो रहा है। 46 मंथ का ये हो रहा है, यानी दो महीने के बाद पूरा 4 साल पूरा होगा जो कोरोना काल से चल रहा है। ये जलाराम बापा की कृपा से ही हो सकता है, उसके बिना ये मुमकिन नहीं होता। तो ये जो कार्यक्रम राशन किट के बाद पहले हमें जो आज जो है फोकस करना है वो जो साल में एक बार ऐसा मिलता है, हर दिन लेना चाहिए आशीर्वाद, लेकिन ऐसा स्टेज प्रोग्राम करके आशीर्वाद लेने का मौका हमने ले लिया है। तो आज नारी शक्ति का हम आशीर्वाद लेंगे और ये कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे उनका सम्मान करके। उनको ट्रॉफी दी जाएगी, उनको मुकुट पहनाया जाएगा, खेस पहनाया जाएगा और साथ में ये उनके फोटो के साथ का एक छोटा सा मग भी देगा। तो मैं नीतल से कहूँगा और भानुबेन से कहूँगा जो आप आइए और पहला हम अनसुया बहन का सम्मान करेंगे। सबको जाने का इसके लिए मैं स्पीच पहले सम्मान सबका हो जाए बाद में स्पीच रखेंगे थोड़ा, जिसको जो दो शब्द रखना है। और गुजराती में कहवाई से कि मार्गे मड़िया तो ओरखाण करी लिए, थोड़ी घनी लागड़ी नहीं लहान करी लिए। तो जो अनसुया बहन जो है वो मैराथन बिल्डर की प्रेरणा स्रोत हैं और गुजराती में कहवाई कि परिवार ना एक गेगूर वल्ला जेवा छे एमनू आज अपने अने गया महीने अगले महीने जो था 45 मंथ का पूरा जो राशन किट मशीन स्कूल की फी, हाँ आज यहाँ आनंद क्लासेस की ओर से मुलन हाई स्कूल की जो 10 बेटियाँ भी आएंगी 8:15 बजे उनको स्कूल फी दी जाएगी। और एक आनंद क्लास की ओर से ही हमारी जो स्वयं सेविका है नैनाबेन कोटक उनको रोटी मेकर मशीन, क्योंकि हमें कुछ न कुछ ऐसा देना है कि उनसे थोड़ा उनको थोड़ा बेनिफिट हो और 2 पैसा और कमा सके, तो ये भी एक यहाँ से दिया जाएगा। तो ये एक महिला दिन का ही प्रोग्राम गिना जाएगा कि महिलाओं को कैसे कुछ न कुछ गुजराती में कहवा पुष्प फूल नहीं तो फूल पाखड़ी रूपे जरा मदद करवाना प्रयास है। तो अगले महीने पूरा हमें लाभ मिला था वैसे अनसुया बहन का हम सम्मान करेंगे और हमारी इच्छा रहेगी कि उनके परिवार का भी कोई साथ में होगा तो साथ में उनका सम्मान हो जाए। तो अभी या तो सारू सहज बनी ओके
એમની મૂલનમાં ઓળખ આપવી જ ના પડે. મૂલન મેં જો શાશ્વત વાળી હૈ ઓર વહા પે જો એક સમાજ આઈડિયલ સમાજ કા જો આજે જો કોઈ એક્ઝામ્પલ હો તો શાશ્વત વાળી કા જો હૈ મેનેજમેન્ટ ઓર વો જગન્નાથભાઈ જોશી કી પ્રેરણા સે યે સબ હુઆ હૈ ઓર આજ વો રાહુલભાઈ સબ ઉસકો આગે બઢા રહે હૈ. રાહુલભાઈ કે લિયે જરા તાલિયા હો જાય. ओम प्राइड फॉरवर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड चला तो रहे हैं राहुल भाई, लेकिन उसके पीछे जो मोटिवेशन है वो साधा बहन का ही है. वरी पाछ ये पण विशाल परिवार ना एक आधार स्तंभ छे वा साधा बहन जेमनो आज ना कार्यक्रम मा पण योगदान छे एमनो सम्मान करवा माटे अहीं थी आपणे बोलावशुं. कवित्री कोकी बेन आवो अहीं अने माया भाभी आचो साथे मम्मी जो सम्मान थे तो राहुल भाई पाछ आग बने तो जरा छो प्लीज હજારો હજારો ફૂલ કમ હૈ માલા બનાને કે લિયે, હજારો દીપક કમ હૈ આરતી ઉતારને કે લિયે, હજારો બૂંદે કમ હૈ સમુદ્ર બનને કે લિયે, લેકિન એક સ્ત્રી હી કાફી હૈ ઘર કો સ્વર્ગ બનાને કે લિયે. રાહુલ ભાઈ કી ઓર સે એક એનાઉન્સમેન્ટ મેં ભી કર દઉં કે કલ મહાશિવરાત્રી, મહાશિવરાત્રી કો જનરલી પ્રોગ્રામ દિન મેં રહેતા હૈ, લેકિન શાશ્વતવાડી મેં પ્રોગ્રામ રાત કો રખા ગયા હૈ પૂરા અભિષેક કા. રાત કો શાયદ 8 બજે સે શરૂ હોકે કે 9 બજે શરૂ હોકે શામ કો મોર્નિંગ સુબહ 5 બજે તક ચલેગા. તો શાશ્વત જો સબ અપને જો સમય હૈ ઉનકી ઓર સે સબકો ન્યોતા હૈ, આપ શાશ્વતવાડી આ સકતે હૈ કલ રાત કો. હવે એમની ઓળખાણ આપવી પડે. જયારે મેં કઈક નામ લખતો તો મને કીધું કે માયાબેન નું કેમ નામ, માયાબેન ની કેમ પ્લેટ બનાવું છું, માયાબેન ને તો બધા ઓળખે છે એમ. રિયલી રિયલી આવી રીતે તો જોતા તાળીઓ થઈ જાય. માયાબેન ગીરીશભાઈ કોઠારી, શ્રી કચ્છી લોહાણા મહાજન મુલુંડ કે મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી હૈ, લાયન લેડી હૈ ઓર હોમ કેબલ જો હૈ અભી GTPL મેં ભી જો 985 જો ચેનલ આતી હૈ હમારી જો જો ઘર 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 પે આપ બાલાજેશ્વર યે સબ કે જો દર્શન દેખ સકતે હૈ, કોઈ ભી ધાર્મિક પ્રસંગ હો આપ ઘર પે દેખ સકતે હૈ, યે હોમ કેબલ કે ઓર સે હોતા હૈ ઓર ઉનકે પ્રણેતા હૈ હમારે માયાબેન ગીરીશભાઈ કોઠારી. ઓર ઉનકી એક અલગ પહેચાન હૈ વો હૈ સ્વાધ્યાય પરિવાર. જય યોગેશ્વર. ઓર સ્વાધ્યાય કી ભી પ્રવૃત્તિયાં હોતી હૈ, લાયન કી તો બહોત સી પ્રવૃત્તિયાં હોતી હૈ, તો એસી એક મલ્ટી પર્સનાલિટી હમારે બીચ મેં. જોરદાર તાલિયા હો જાય. આજે પરિવાર જે કોઈ હોય તો બોલે મને પાખો પરિવાર. મોદી સાહેબ કા સ્લોગન દે દીયા આપને. અચ્છા હો ગયા, બરોબર હૈ. હા તો કંચનબેન આવો તમે આપણે અને ભાઈ અહીં હતો સાથે.
तालियां हो जाए थोड़ी, एक साथ में एक योग की एक्सरसाइज भी हो जाती है ये। मुकुट साथ में रखना, एक ग्रुप फोटो मुकुट में लेना है साथ में, जरा ख्याल रखिए प्लीज। अने आ गिरीश भाई ने साथ आपी दो ने, गिरीश भाई कोटे साथे हतो आपणे हमणा जे एमनो एनिवर्सरी कही आपणे राख्यो तो धन्यो गृहस्थ आश्रम बनावी छे आपणे छे मग जेने पछी आपी हसु पण राख्यो तो बाल फेसबुक से थोड़ा लेट नहीं रहो इसलिए हम सीधे फोन किया तो मुझे बड़ी पहला पती हुए ट्रॉफी वगैरह माटे नो जेनो सहकार मळ्यो छे सुनील कोटक उपस्थित छे राजेश ठक्कर नटबॉल सेंटर घाटकोपर थी एमनो भी सहयोग मळेलो छे तो आवा लोकोनो सहयोग थी आपणे आ बधुं कार्यक्रम करीए छीए अने हवे आपणे मळीए मुलुंडनी जे जेने कहेवाय ने के बुलंद अवाज थी जेना प्रवचनो सांभळवामां आवता होय छे अने आपणे तो एवी झांसी की रानी कही सकाय एवा अपना प्रभाबेन पोपट, प्रभाबेन पोपट नु सन्मान करवा माटे तमे आवो जरा। अने भगवती बेन, प्रभाबेन पोपट एक्स कॉर्पोरेटर है, बीजेपी में कहीं भी जब भी थोड़ा मंथन करना रहता है तभी उनके साथ मशवरा किया जाता है और मैंने जो शब्द यूज़ किया झांसी की रानी वो उनको तलवार के साथ अहमदाबाद में वो दिया गया था। प्रभाबेन एम आई राइट, अहमदाबाद में आपने मिली ए वक्त हूँ पर मंच पर हतो मने समाज सेवक माटे अहमदाबाद में अने बेन ने झांसी की रानी तलवार साथ एवॉर्ड मळ्युं हतुं, एक गौरव भरी क्षण हती। जोरदार ताळियो थई जाय प्रभाबेन पोपट माटे। मृग जे थोड़ी तबियत नादुरस्त होने लीधे आवी नहीं सक्या पण एमनी कहेवाय ने के डेशिंग एकदम कॉर्पोरेट लेवल नुं बधुं काम संभाळती, इंडस्ट्री नुं बधुं काम संभाळती एवी दीकरी दर्शना केसरिया अहीं उपस्थित छे અને મમ્મી વતીથી એ સન્માન સ્વીકાર કરશે। મનોબાબે માટે કહી શકાય કે એમણે શૂન્યમાંથી શરૂઆત કરી અને લગ્ન પહેલાં એ શિક્ષિકા હતા। હીરાલાલભાઈને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પણ ઉપર આવશે તો કોના મેં એવો ટીચર થી એમાં રાઈટ બરોબર ને ઉનકી ખાસિયત એ હૈ હમારે લીએ એક पथदर्शक है। हिराल भाई इस बात पे गौरव फरमाइए कि
भाइयों का परिवार साथ में रहता है और वडिल होने के नाते मनोरमा बहन ने सबको एक साथ में माला में जकर के रखा है। एक संयुक्त परिवार कैसा होना चाहिए उसका एग्जाम्पल हमें मनोरमा बहन से सीखना चाहिए। तो वैसे उनकी जो बेटी है उनका सम्मान करने के लिए मैं शीतल और जिग्ना को बुलाऊंगा। आओ बेटा सम्मान करो अमनू। પપ્પાની જે આ બધી વારસો છે એને આગળ ધપાવે છે, આટલો મોટો ઇન્ડસ્ટ્રીનો કારભાર સંભાળવાનો, શ્યોર અને પ્યોર જે નવી કંપની એમની આવી રહી છે તો એના એ સીઈઓ છે, બરાબર, ચેરમેન છે એમ. અને હવે સન્માન કરશું આપણે સંધ્યાબેન અરુણભાઈ ભીંડે, સ્વર્ગસ્થ અરુણભાઈ ભીંડેની વિદાય પછી. જો કે અરુણભાઈ જ્યારે હતા તે વખતે એમની સાથે એમના વ્યવસાયમાં અને સામાજિક કામની અંદર જાણે ખભે ખભા મિલા કે સંધ્યાબેન ચલતી હતી, લેકિન ઉનકી જો દેવ હો ગયે ઉનકે બાદ ભી ઉન્હોને અપની જો વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિ તો ચાલુ રખી હૈ લેકિન સામાજિક પ્રવૃત્તિ ભી ઉતની હી ઉનકે હાથસે હો રહી હૈ, ધાર્મિક પ્રવૃત્તિયાં ભી હો રહી હૈ. ઓર मुझे दुख के साथ थोड़ा बताना चाहिए कि मतलब जब अभी हम महिला सम्मान कर रहे हैं क्योंकि ऐसी बातों का जिक्र कम किया जाता है, लेकिन समझो पहले बेटे का जाना, बाद में जो 22 साल का बेटा उनका चले जाना, उसके बाद में पति के पति का जाना, और अभी अभी दो यानी 5-6 महीने पहले मम्मी का जाना. तो ये सब जाने के बावजूद मतलब कितना कठोर दिल रखना पड़ता होगा, और जो शो मस्ट गो ऑन करके जो थोड़ा संसद जिम्मेदारी है वो निभानी है समाज के प्रति भी और परिवार के प्रति. तो उनके लिए ऐसी एक मिसाल कायम करने के लिए हम तालियों से उनका स्वागत करेंगे. और बेटी उनके साथ में आई है शीतल उनकी बेटी, और ભાનુબેન પાછા આવશો જરા સાથે સન્માન કરવા માટે, શીતલ સાથે, શીતલ તો નિતાલ તારે બી સાથે આવે, તારે સન્માન કરવાનું છે. અચ્છા અહીં અંકલ હજો પરિવાર જોડે ઠીક છે.
मुलुंड में हमने बहुत सी ट्रॉफी तलाश की, ये कहीं से नहीं मिली, फिर भी हमने ये क्राफर्ड मार्केट ट्रॉफी मंगवाई कि चलो कुछ नया हो जाए इसके लिए। शीतल ने, शीतल मालूम है बरोबर मम्मी, कम से कम एक वीक में अगला 4-5 वक्त तो जता सो ऑफिस में बरोबर ने, पूरा ऑफिस संभालते हैं। तालियां हो जाए उनके लिए, संजय बहन के लिए। इट इज अवर प्लेजर, असा के मौको मिले भाई। एक मोटी पेढ़ी नु सम्मान थयो एम के बरोबर ने, लेकिन फोटो में भी देखेंगे 7 जो ऊपर हैं वो आज के जो आशीर्वाद दे सके वैसी पेढ़ी है, और बाद में जो हमने नीचे जो साथ लिया है उसमें से हम प्रेरणा ले सके वैसी पेढ़ी है हमारे साथ, और उसकी शुरुआत करेंगे हम, जिसके आने के टाइम हमने तालियों से जिनका स्वागत किया, हेजल पूनम मितेश रायकुंडलिया। ये बेटी MBBS कर रही है KJ सोमैया कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में, एम आई राइट, फर्स्ट ईयर। और उनका जो एडवेंचर है शायद आपने पढ़ा होगा किधर पेपर में या तो कोई भी YouTube पे सब देखा होगा, कि बांद्रा वाली जो सीलिंग का है वहाँ से लेके गेटवे ऑफ इंडिया की जो 36 किलोमीटर ना, 36 किलोमीटर की वो जर्नी, मतलब स्विमिंग करके रात को 1:30 बजे शुरू की थी, मॉर्निंग में 5 बजे तक वो पूरी की। और उसका मकसद क्या था कि स्विमिंग फॉर द सी, यानी अर्थात स्विमर ऑफ द सी, कि जो प्रदूषण हो रहा है समुद्र में तो उसके प्रति कुछ जागरूकता आनी चाहिए, अवेयरनेस आनी चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने ये मतलब ये अच्छा एडवेंचर करके दिखाया। प्रेम भाई प्लीज आइए, प्रेम भाई आ गया ये जिनके साथ हमने आयुष्मान भारत के कैंप अभी भी चला रहे हैं, तो पहचान आगे बढ़ाएं इनका। वो दिन था शायद 29 दिसंबर 2023, अभी 3-4 महीने पहले की बात है। केशव भाई और प्रेम भाई दोनों आइए प्लीज। उनकी मम्मी जो है पूनम, मम्मी आई है ना, हाँ बस बुलाता हूँ जरा सम्मान के लिए, तो वो भी एक मैराथन रनर है। और ये जो उन्होंने किया उसके पहले एलिफंटा से भी एक आपका एडवेंचर हो गया, एलिफंटा से लेके गेटवे ऑफ इंडिया तक, वो छोटे पैमाने पर था, शायद 2 घंटे का था, लेकिन वो पहले किया बाद में ये किया। और अभी जो उनके पिताजी हैं मितेश भाई आए हैं साथ में, हाँ, उनकी अपेक्षा है कि हमारी बेटी जो इंग्लिश चैनल और स्टेटअप जो जिब्राल्टर है वहाँ जो इंटरनेशनल जो सी है वहाँ में कुछ एडवेंचर हो तो वो उसके लिए भी वो मतलब प्रिपेयर कर रही है। तो कितना हौसला बुलंद है उनका, तो ऐसा ये एक समाज के लिए अच्छा एग्जाम्पल है, और हमें एक मौका मिला कि ऐसी बेटी का हमें सम्मान करने का मौका मिल रहा है। तो मैं उनके मम्मी पापा को और दादाजी को, पूनम जी आइए, मितेश, और सबसे तो जो उनका सोशल वर्क बहुत सबको फेम मालूम है वो लक्ष्मीकांत भैया वो कुंडलिया, जो मुलुंड में सबपण मैरिज ब्यूरो माटे कहीं पण होए तो तरत ज एमनुं नाम आवे, लग्ननी नवी जोड़ीओ बनावी होय तो मित्तल आपणे बने जेनुं सन्मान करीए आपी छोकरीनुं, एटला माटे મોકો મળ્યો છે આપણને, ક્યારે પછી ક્યારે મળશે દીકરી હાથમાં, એમ બહુ હા ઇન્સ્પિરેશન છે આપણા માટે પર. જૈસા હમને ઇસકે બારે મેં થોડી ઇન્કવાયરી કી ઉનકે પિતાજી કા પરિવાર સે, ઇમિડિયેટલી બોલા કે યે જો પ્રોગ્રામ હો રહા હૈ ઉસમે હમારા યોગદાન હોના હી ચાહિયે, ઓર ઇસલિયે ઉન્હોને રાશન કિટ મેં ભી અપના યોગદાન, હેઝલ ને અપના યોગદાન લિખાયા, તો પઢાઈ તો હો રહી હૈ, समुद्र के प्रति अवेयरनेस हो रही है, और ऐसे जो कार्यक्रम है समाज के उसमें भी हेजल का योगदान है। तालियां हो जाए हेजल के लिए। हेजल आपकी जो अचीवमेंट है दैट इज अमेजिंग, बट आज है ना ये क्राउन आई विश के आपकी मम्मी को पहनाना चाहिए, आई थिंक शी इज द मेन सपोर्ट फॉर योर ऑल द अचीवमेंट्स।
Is it okay with you? With all your permission. Yeah, actually I want to see my princess wearing crown instead of me. So let her wear it. इनके मलियो तो मुझे मलियो जेवाने जोईने कदाच कोई शायर शायर ने बताया होगा कि हर आंगन की शोभा है नारी, हर आंगन की शोभा है नारी, उससे ही बसे दुनिया सारी, उससे ही बसे दुनिया सारी। अने अबे आगे बढ़िए अपने जिकना फाल्गुनी फाल्गुनी ले मैयत पर कतली अभी जैसे तो चारी गड़ी पे अभी जैसे कोई मैयत में जाऊँ तो कविता पंकज भाई तारी परिवार है और तो पर सेकंड में जो बैठा बजाना चाहिए सम्मान करने के प्लीज सर ख्याल नहीं था नाम तो बोली सके जरा मैं बैनर में और ट्रॉफी में क्या टैगलाइन लिखी जाए कप्तान एक ही लाइन बताया कि हैप्पी होम मेकर बस उससे और क्या हो सकती है बदमात हो गई आज के लिए और उसके लिए किसी शायर ने कहा है कि जिस घर में नारी को सम्मान मिले जिस घर में नारी को सम्मान मिले उस घर में खुशियों के फूल खिले तो बस अभी खुशियों ना फूल खिलाना और कविता बहन नो आई थी सर हार्दिक स्वागत है और ये जो रौनक कंटेनर है उनके जो मतलब इंस्पिरेशन में भी इनका ही साथ है और हमारे समाज में जो स्टेट मंच पर बैठे हैं विशन जी भाई टारी बहुत बड़ा नाम है तो उनके परिवार से ये आ रही है और उनके जो विचार है समाज में वो आगे बढ़ा रही है तो ऐसा कविता जी का सम्मान करने का मौका हमें मिला है। आप तो मिक्स ऑडियंस है लेकिन कच्छी में एक मैं पूछूंगा कि कच्छी में पा भाई के करो चो भाई के जवाजे वीरा वीरो मुझे लाटको बराबर ना
तो એવી એક કચ્છી કવિત્રી આપણી મુંબઈની પ્રથમ કચ્છી કવિત્રી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે મનીષા અજય વીરા ઉપસ્થિત છે બંજરા પ્રથમ કચ્છી કવિત્રી હૈ સમાજ કે અમારી કચ્છી ભાષા સાહિત્ય સંસ્કૃતિ જો ઉસકે સમાજ કી હૈ વો ઉસકે કો કન્વીનર હૈ આપ વહાં પે બહોત સે મનમેળો કાવ્ય સંગ્રહ और अटल बिहारी वाजपेयी की जो एक कृति है नाम है उसमें आंधियों में जलते बुझते दिए उनका कच्छी में ट्रांसलेशन आप कर रही है और वो भी कोई पद्मश्री विष्णु भाई पंडे हाँ तो बहुत बड़ी और उन्होंने जो ये जो कोरोना काल से जो ऐसा मौका मिला लिखने का उन्होंने कम से कम 1200 जितनी मतलब कृतियां समाज को दी है तो इतनी बड़ी हस्ती हमारे बीच में है और हम उनका सम्मान करेंगे फिर से एक बार माया भाभी को न्योता दूंगा माया भाभी शीतल बने आओ चलो यहाँ वीरा बेन स्वागत करो साथ हाँ चौको चौकस प्लीज आपके जब भी सम्मान के लिए कोई नाम रह जाए तो मुझे बताइए क्योंकि ये परिवार का एक मौका है अच्छा हाँ तो श्योर इट विल बी अवर प्लेजर कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है और उसकी मिसाल है हमारी वैष्णवी आयर जी मलोन कॉलोनी में ओल्ड एज आश्रम यानी वृद्धाश्रम है वो वृद्धाश्रम की वो संचालिका है लेकिन जब ही उनको मालूम सब ये बातें मालूम गिरी कि यहाँ पे वृद्धाश्रम है ये ट्रस्ट है तो वो ट्रस्ट में आने से पहले वो खुद का अपना पढ़ाई ये सब बरोबर चल रहा था लेकिन क्या उनको प्रेरणा मिली कि नहीं मुझे वो बाद में करूँगी लेकिन ये बुजुर्ग लोगों की मुझे सेवा करनी है और वो सब छोड़ के जैसे कभी कभी क्या होता है राष्ट्र के लिए हमें जो एग्जांपल है सरदार वल्लभ भाई पटेल हो और कोई गांधी जी हो कि पूरा अपना व्यवसाय छोड़ के टोटल डेडिकेशन राष्ट्र के लिए तो वैसा टोटल डेडिकेशन उन्होंने वृद्धाश्रम के लिए दिया है जोरदार तालियां हो जाए वैष्णवी आय के लिए और हम रिक्वेस्ट करेंगे वापस कंचन जी से कंचन बहन अने भानुबेन तब सम्मान करो हमन त्याथी बाजूमाथी चंद्राबेन अँ बाजू उभर हो जाए पी एक वक्त रीटा जाओ जी साथ जरा ऊपर अभी वृद्धाश्रम में कितने बुजुर्ग होंगे 40 बुजुर्गों की सेवा कर रही है बेटी हमारी And now last, but not the least, हाँ नितल जी को सवाल लगाइए हाँ तो पूजा का पुण्य मिलता है मालूम है इसके लिए और अभी नेहा जोशी ये
यंगेस्ट मेंबर अब दिख रही है स्टेज पे, लेकिन बहुत सी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बहुत माहिर है। कहीं भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, क्रिकेट भी खेलती है, कबड्डी भी खेलती है, थ्रोबॉल लेडीज, ये सब जो गेम्स रहती है। और बात सी इज नॉट ओनली प्लेइंग, सी इज विनिंग ऑल्सो टाइटल, ऑल्सो सी इज विनिंग। और अभी अभी MLA जो ये प्रोग्राम हो गया उनमें भी उन्होंने अच्छे से सब प्राइज उन्होंने जीते, तो उनका सम्मान भगवती बहन અને કલ આપણે સાથ કરો તમે બંને નાના બેન એકલો વખત સાથે આવ્યો છે રમાતે મધે છોકરી કયો સન્માન છોકરી જો સન્માન કર્યો છે એકલો વખત આવ્યો છે નાના બેન કે લી જોરદાર તાળી હો જાય વો ડેડિકેટેડ ટોટલી જબ ઇધર કામના લેકિન વાપસ વાહ તૈયારી ક્યોંકિ જલ્દી આપકો રાશન કિટ મિલે સા હા પેરેન્ટ્સ પ્લીઝ 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 હા નેહા ના મમ્મી પપ્પા मैंने पहले ही बताया था कि मुझे मतलब प्लीज ड्रॉ माय अटेंशन, आओ आओ ऊपर आओ, दीकरीनी आवी गौरवनीय क्षणों से दरेक बीजा प्लेटफॉर्म पर सम्मान थयो छे, आज हमने मौको मळ्यो छे सम्मान करवानो, अने त्यार पछी चंद्रबेन ने कहीश कि जरा पेन लेजो ने बधाने फटाफट पेन आपी दो बधाने जे आपणे आवे छे। मम्मी पापा बराबर ॾेखारणु खपे ચંદ્રબેન આવો જરા ચંદ્રબેન ચંદ્રબેન દીપા તમે બંને સાથે જાઓ જરા અહીંયા રાહુલભાઈ સરગો આપણે મહેમાનોને આપણે આજે આ લોકોને સાંભળવા છે પણ આવ્યા છે તો નાનકડું પ્રતિકરૂપે ખૂબ ગુલદસ્તોને આપતા નાનકડી પેનનું પ્રતિકરૂપે એક એક પેન ચંદ્રબેન આપજો અને આપણા મહેમાનોનું રાહુલભાઈ હીરાલાલભાઈ શાંતિલાલભાઈ જરા આવી રીતે સન્માન કરો હા બસ સારી રીતે એક હા ફોટો બી લેતા જાઓ ફોટો બી લેતા જાઓ રાહુલભાઈ સાથે ફોટો થઈ જાય ચંદ્રબેન રાહુલભાઈ સાથે ફોટો થઈ જાય બીજી વાર શીતલ અને માયા ભાભીને આપો જીગ્ના તું પેલી ટ્રોફી લઈ લે ને કલેક્ટ કરી લે ફાલ્ગુનીની સ્ટેજ પર આવી જાય એક મિનિટ માટે ત્યાં સુધી અહીંયા પૂનમબેન ધીરજભાઈ પ્રેમભાઈ और आयुष्मान बात के प्रेम भाई गया धीरज भाई ने आपो धीरज भाई ने लक्ष्मीकांत भाई ये पोठिया लक्ष्मीकांत भाई ये पोठिया प्रेम प्रेम भाई का इनको देख के रखो जरा हाँ चंद्रबेन प्रेम भाई जानी को नहीं जा रही केशव भाई अब मेहमानों का दो शब्द सुनेंगे लेकिन ग्रुप फोटो पहले अभी हो जाए जो सब एक के साथ खड़े हो जाइए और ट्रॉफी हाथ में रखेंगे तो और अच्छा रहेगा ફોટો દીકરાનું બાકી છે લઈ લે ફાલ્ગુનીનું લઈ લે તું સાથે આવી જાય લે ફોટો આવી જાય સાથે એક ટ્રોફી આપી રાખો એમને ઓકે હા તો ખાલી લઈને આવી જાય ને દે આર જસ્ટ લાઈક સિસ્ટર્સ ઓનલી એને મુગટ પહેરાવો જીગ્નાને एक अच्छा प्रोग्राम देखने को मिलेगा बहुत जहमत उठानी पड़ती है ऐसे प्रोग्राम के लिए 1-to-1 212 लोगों को फोन हुआ है सोचिए 6-7 दिन से पहले से शुरू होता है हर रोज 20-22 फोन करके ये तभी मैसेज आप तक पहुंचता है
पूरा नीचे नहीं। ओके थैंक यू। यस जलाराम बाबा की कृपा है नीचे और सब ऐसे लोग साथ में है इसके लिए। यस 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 डन। एक प्लीज हीरालाल भाई का कहना है उत्सव मना रहे हैं हम नारी उत्सव। अरे हवे प्लीज वेट वन मोर फोटोग्राफर जी। हाँ थैंक यू। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि एक ऊपर राहुल भाई हीराल भाई तुम्हें यहाँ भी जाने बता पाँच जने धीरज भाई कंचन अब अपना केशव भाई शांतिलाल भाई जरा आओ सर। हाँ यस हमें सिलाई मशीन देना है हमें वॉकर देना है हमें स्कूल की फीस बच्चे बोलो हाई स्कूल की बेटी आ गई जरा हाथों जगह टीचर आ गई सहिदा टीचर बोलो हाई स्कूल की बेटी आ गई फीस के लिए। हाँ बस ये जैसा ही प्रोग्राम शुरू होगा तो ये सब चीजें दी जाएगी बाद में राशन किट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। होम मिनिस्टर के आगे टेक ओनली नियरली 10 मिनट्स। यस ओके ओके लेकिन पहले थोड़ा स्पीच जिनका जो है वो अपने अपने दो शब्द रखेंगे दिल की बातें रखनी चाहिए। प्लीज वेट थैंक यू। रिक्वेस्ट कर सूँ कि वन बाय वन जे पर जेमने पर बहुत इच्छा हो कि मुझे दो शब्द रखने हैं पहले माया बहन विनती कर सूँ माया बहन बे शब्दों के से माया बहन गिरीश भाई कोठारी। जय जय झूलेलाल जय दरियालाल जय जलाराम। आदरणीय मंच अने सन्माननीय सदन बधाना नाम नहीं लो कारण के समय बहु एमां व्यस्त थशे પણ ખાસ આભાર લાલજી સર તમે અમને અહીંયા બોલાવ્યા અને આવતીકાલે જે વુમન્સ ડે અને મહાશિવરાત્રી છે એટલે શિવ અને શક્તિનું મિલન છે કે દરેકે દરેક નારીની પાછળ આપણે કહીને કે નારી એટલે સ્ત્રી અને એની પાછળ શિવ તો હોય જ છે ખાલી નારી પણ શિવ વગર અધૂરી છે અને શિવ પણ શક્તિ વગર અધૂરા છે એટલે શિવ અને શક્તિનું મિલન શિવરાત્રીના દિવસે છે અને લાલજી સરે આજે તમે બહુ સરસ આ મોકો ઝડપી લીધો છે બધી જ બહેનોનું સન્માન કરવાનો અને તમને એના માટે ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ પણ મળશે કારણ કે શિવરાત્રીના આગલા દિવસે આજે તમે આવું સરસ આયોજન કર્યું છે અને હંમેશ આવું જ્યારે પ્રસંગ હોય ત્યારે લાલજી સર અમને બોલાવતા રહે છે હું એમને સર જ કહીશ કારણ કે મારાથી મોટા છે એટલે લાલજીભાઈ નહીં કહું લાલજી સર જ કહીશ અને આજે તમે આટલું સરસ આયોજન કર્યું અને દરેકે દરેકને ફોન કરવા નોટ ઇઝી એમાં એની માટે એમણે બહુ બહુ જ જહેમત ઉઠાવી છે આવા જ કાર્ય સદાય કરતા રહો અને હંમેશ અમે વાત કરીએ કે લાલજી સર કોઈ દિવસ થાકતા નથી તો ભગવાન તમને થકાડે નહીં આવા જ કાર્ય સદાય કરતા રહો એવી શુભેચ્છા જય જલારામ જય જય સાદર નમસ્કાર બધાને થેન્ક યુ વેરી મચ ઇન્સ્પેક્ટર લાલજી સર આપે અમને બહુ સરસ સન્માન કર્યું સર્વ બહેનોનું અને માયાબેનની બધી વાતોમાં હું સહમત છું એટલે વધારે નહીં બોલું થેન્ક યુ સો મચ આગળ બોલે તે પહેલાં સબ જો કિનર અને પાંચ કિનર યહાં પે આ જાય ખાલી ઓર પ્રવચન ચાલુ રહેગા કિનર જો આ જાય અપને ગ્રુપ વાલે ये प्रेम भाई और इसके साथ से ये आए हैं बोलानो कौन बोल से बोलवानो से कविता बेन। हाँ बब्बे मिनिट जरा आपने बोली ने पछि आपने कार्यक्रम शुरुआत करी અહીંયા કોઈ આજે આપણી વચ્ચે તૃતીય પંથી ટ્રાઇઝન્ટ કહેવાય જેને જેનર આપણે અહીંયા છે તો મેં આપસે એક રિક્વેસ્ટ કરના ચાહું કે અભી હમને લાયન્સ ક્લબ ઓફ મુલુન મેં જો મેરા સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ હૈ ઉસમેં મેને આપ સભી કો આપકો સિખાયા મેં આપકે સ્પેશિયલી આપકો હી કહેના ચાહતી હું કે આપકે ગ્રુપ અલગ અલગ 75 સબ થે ઉસકો હમને સોપ્સ અલગ અલગ ટાઈપ કે કેન્ડલ ફિનાઇલ ફિર લિક્વિડ યે બામ લિક્વિડ સોપ બહોત સારી ચીજ અગરબત્તી એસી સિખાઈ તો હમે એ ચાહતે કે આપ ભી લાલજી સર મેં આપકો રિક્વેસ્ટ કરતી હું એક વાર મુજે મોકા દો મેં સબકો યે સિખાના ચાહુંગી કે યે અનાજ દાન મહાદાન હૈ માંગતે હૈ લેકિન યે દિયા હુઆ કિતના દિન ચલેગા 12 દિન 15 દિન હમ અપને પૈર પે ખડે રહેગે
तो हम एक स्वाभिमान की जिंदगी जी सकते हैं, ऐसी मेरी कामना है। तभी मेरा जस्ट 3 दिन पहले लायंस क्लब ऑफ कुल्लून के द्वारा मैंने ये प्रोग्राम किया, और मैं लालजी साहब को भी कहूंगी कि ऐसा हम करेंगे, देने की भावना अच्छी है लेकिन साथ में हुनर भी देना जरूरी है। थैंक यू। और सर अगले महीने इसके बारे में कुछ सोचेंगे, लेकिन इसके लिए सिलाई मशीन दिया जाता है, रोटी मेकर मशीन, कुछ ना कुछ। और जो अभी किन्नर यहाँ खड़े हैं, किन्नरों को जॉब दिया गया था, याद कीजिए जब कोरोना एकदम एक्सट्रीम पोजीशन में था, तभी हमने उनके लिए रसोई बनाने का प्रोजेक्ट पूरा किया था। एक एक वीक में उनको 5-5, 10 हज़ार का ऑर्डर मिलता था। तो वैसे आप कुछ ना कुछ ऐसा स्वावलंबी करते हैं, आप ऐसा खड़े रह जाएंगे लाइन में ऐसा। अगर कौन एक कौन है बोलू थे, कविता जी बोलते माइक पास ऑन कर दो, जरा माइक पास ऑन कर दो, प्रभाबेन बेओपन माइक करो, प्रभाबेन जी बाजू में है, प्रभाबेन जी बाजू में है, बहन पाई में बोलता ना, बहन आइए बस शब्द बोल देता। हाँ आज एसएससी बोर्ड की वजह से डिले तो हुआ है, और इसके वजह से भी थोड़ा डिले होगा तो चलेगा जरा, लेकिन आज पूरा प्रोग्राम जो है जो अपनी तरफ से चल रहा है उसे चलाएंगे। सर ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा प्रोग्राम करने के लिए, और मुझे जो मैंने लिया है सम्मान उसके बारे में बोलना चाहूँगी। हैप्पी होम मेकर, एक्चुअली बाकी सब में तो ठीक है, पर एज अ होम मेकर मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि मैं मेरे घर संभालती हूँ और उसमें भी मुझे खुशी मिलती है। और सर ने ये नया ट्रेंड चालू किया है कि होम मेकर को भी सम्मान दे के सम्मानित करना चाहिए, सो थैंक यू सो मच सर। Hazel, you have to speak for a few words. Darshna also will speak. Sanmanya Lalji Bhai. Bhai che maro. Asi bhera chavani kya, ekro sabdo hai bhen. Manch pe upasthit meri saath wali sabhi mahila hai, upasthit vadil varg, bhaiyon aur behnon. आज समय नहीं है ज़्यादा, लेकिन एक बात बताऊंगी कि लालजी भाई ने, लालजी सर बोलो अभी तो आप पहचाने, लालजी सर ने और उसके साथ साथ संजय माली ने ये जो एक प्रयोजन का प्रारंभ किया है, और प्रारंभ करते करते इतने आगे बढ़ गए हैं, 46 मंथ, बहुत बढ़िया है, अच्छा है। लालजी भाई जो कुछ कार्य करते हैं एकदम दिल से करते हैं, और एक बात यह है किसी को छोड़ते नहीं है, सबको साथ में लेके संगठन करके समाज को साथ में लेके कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें इनके कार्य में हर एक समय साथ में सहकार मिलता रहता है। संजय माड़ी के लिए यहाँ पे नहीं होगा, मैं कहूंगी मराठी में कहते हैं मुदा बात जाए, जगन्नाथ माड़ी, मैं 85 में इलेक्शन खड़ी थी, शिवसेना के लीडर थे मुलुन के, काम मेरा किया था, तो कुछ शिवसेना वालों ने बोला काय काय कर तो तू, तो उसने बोला माजी बहन है, मेरी बहन है करके, इसलिए संजय माड़ी भी मेरा बच्चा है, ये भी मेरा छोटा भाई है। और कौन महिला को अभिमान नहीं होगा कि अपना भाई और भतीजा ऐसा समाज कार्य समाज सेवा कर रहे हैं, ये अभिमान लेने की गौरव लेने की बात है। ज्यादा समय नहीं लूंगी, अभिनंदन दूंगी, और साथ में प्रारंभ में लालजी भाई ने कहा था कि इन लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए ये काम कर रहा हूं मैं, तो मेरी ओर से और हमारी सब महिलाओं की ओर से लालजी भाई को आशीर्वाद देती हूँ, ईश्वर उन्हें तंदुरुस्त सुखमय और लंबा आयुष्य दे, और इस प्रकार से सेवा करते रहे, जय हिंद जय भारत। ऐसा ही आशीर्वाद आपका मिलता रहे। दर्शना केसरिया, अभी आंटी ने होम मेकर का बात किया, आई विल टॉक ऑन दैट ओनली, कि माय मदर इज अ होम मेकर, आई बिलीव अ मैन बिल्ड्स अ हाउस एंड अ वाइफ एंड अ फैमिली मेक्स इट अ होम, फादर गिव्स द विंग्स
to the child, but the world is shown by the mother. So both are required, and a happy home is the profound importance in any child's life, which I think Harsh will also agree with it, because her parents are encouraging her so much in the sports activity. Today I am standing here is because of the strong determination of my mother and my father. Thank you. Dashing girl, Hazel. Hazel Poonam Mitesh Raikundalia. थैंक यू सो मच एवरी वन मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए. थैंक यू लाल जी सर. मैंने ये दो जो स्विमिंग का इवेंट किया था वो मैंने ये अर्थ को सेव करने के लिए ही किया था. सो मैं यही उद्देश्य देना चाहूँगी कि आप अपने हिसाब से जितना हो सके उतना आजू बाजू की गंदगी को उठाए और उसे सही तरीके से डस्टबिन में डाले और बस. थैंक यू. कम बातें हो और काम हो ज्यादा. माया बहने खबर स्वाध्याय परिवार वा स्लोगन से हमारू एजल ने जो करके दिखाया. काम बहुत करती है लेकिन बस दो ही शब्द काफी है. और प्रथम कच्छी कवयित्री वीरा. चार पांच महीने पहले से मुलाकात हुई. ऐसे मेरे साथ वो कच्ची साइड कंफर्टेबल गुजराती में हल हिंदी हिंदी क्योंकि मिक्स ऑडियंस जिसे मिक्स ऑडियंस. ओके मेरे कच्ची साहित्य ग्रुप में लालजी सर उसमें हैं और हमारा परिचय 5-6 महीने करीबन पहले हुआ. अरे तब मालूम पड़ा कि इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं और ये 46 है. और जब मैंने उनको पूछा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हो तो रियली आई वॉज सरप्राइज कि इतना सब ये कर रहे हैं और एवरी मंथ ये हो रहा है. दिस इज वेरी मच काबिले दादा. एक ताली इनके लिए हो जाए. भगवान आ शक्ति बदाने नथी आप तो कोई ने जापे छे अने एक कोई देवदूत बनी ने पृथ्वी पर जन्म लेतो होय छे. अने आज आजे नारियो नु जे सम्मान थयो छे ने एक बदाना केटला आशीर्वाद तमने मळशे ने ए तमे कल्पना भी नहीं करी शको. राइट आ बधी कोई माँ छे बहनो छे बधी नारी शक्ति छे એટલે આના આશીર્વાદ મળ્યા છે એટલે બહુ જ સારા કાર્ય થશે. આપને એક કચ્છી કવિયત્રી હું તો કવિતા તો એક પઠન જરૂર કરૂંગી. કલ રાત કોઈ લિખા હૈ નારી કે ઉપર કે એકાંગી નમણી પુરુષ જી બને અધ અંગી ઈ નારી સિમરપણ સે ખેલાય જીયન બાદ નો રંગી ઈ નારી गजरा वेणी हिये ददुके दुदु बाज लागणी बपुड़जी खानदानी सांचे हलैती हेणी ई नारी माँ मासी मामी बेड़ दियड़ी घरवाड़ी ने जेंडर चरित्र ते आंच अचे तब अताय सेंडर सेन शक्ति ने नमकस शक्ति ने नमकस से डोखड़ा गारिंदली गेणी अने औखी पे मार्ग बताए मुसीबते चारिंदली चाइणी महात्मा मां पुरुष शूरवीर जणिंदर 9 महीना गर्भ में राखी छे हूं ए महात्मा मां पुरुष शूरवीर जणिंदर ट्रेन विमानो बसो हकलिंदर ने चंद्र ते पोचदल ई नारी इतिहास कई लखाणियों सतिये जीव आखाणियों इतिहास कई लिखे सतिये जीव आखाणियों अलग सज्जो कावाजे मन तू नारी नारी तू नारायणी नारी तू नारायणी अस्तु. नारी तू नारायणी और आगे उसमें कहा गया है नारी तू कभी ना हारी. यस नारी कभी ना हारी लेकिन किसमें भी बारी नहीं है. राइट वैष्णवी आयर वृद्धाश्रम संचालिका.
सबसे पहले नमस्कार। वो अच्छी सिंगर भी है लेकिन आज ये प्लेटफॉर्म नहीं है। थैंक यू सर। सबसे पहले नमस्कार सभी को आज इस कार्यक्रम में, और मैं एकदम खुश भी हूँ और अचंभित भी हूँ। और लाल जी सर ने जो एक अवसर दिया, और एक अचंभित कैसे हूँ कि जो हमारा एक परंपरा संस्कार, और हम हर एक त्योहार मनाते हैं हमारे धर्म के हिसाब से, तो एक अच्छा कैलेंडर बैठने को गया कि कल महिला दिवस और शिवरात्रि। तो हम लोग जब दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा पाठ करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, बहुत सारे पुराने पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं जो हमारे संस्कार और ग्रंथ, धर्म ग्रंथ के, तो उसमें भी एक है कि जब पुरुष लड़ते लड़ते युद्ध में भगवान भी थक जाते हैं तो फिर देवी को पुकारते हैं कि लास्ट एक द्वंद होता है, कंफ्लिक्ट, कि यहाँ पे आप आ जाओ, तुम्हारी जरूरत है। तो आज ये आई थिंक बहुत साल के बाद ये कॉम्बिनेशन आया है, शिवरात्रि और महिला दिवस। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सबको शिवरात्रि और महिला दिवस का शुभकामना देती हूँ सबको। और मेरे सब रेस्पेक्टेड यहाँ पे विराजमान है, कई लोग थोड़ा थोड़ा जानते हैं मुझे, और कई लोग आज और सबसे ज्यादा मैं खुश हूँ कि लालजी सर ने एक अवसर दिया कि हम आश्रम चलाते हैं, हमारे पास 40 वृद्धा लोग रहते हैं, और उनका दिस इज नॉट ओनली ओल्ड एज होम, दिस इज अ कम्प्लीटली मेडिकल केयर। और लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत आती है, और ये सब काम हम डेरिंग के साथ करते हैं तो थोड़ा सा नर्वसनेस भी आती है लाइफ में, लाइक फाइनेंशियल, लाइक अभी उनका केयरिंग, उनका एक लविंग, और हमारा जो ओल्ड एज होम है उनको खाली रखना और वहीं पे सुलाना, उनको खाना देना, नॉट ओनली दैट है हमारा, दिस इज कम्प्लीटली मेडिकल केयर, जहाँ पे उनका हर एक हेल्थ इश्यू का हम सोल्यूशन ढूंढते हैं, कोशिश करते हैं। और मैं क्या है कि उनको जो पेरेंट्स को हम लोग उनको प्यार देते हैं, सबसे बड़ी बात कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा तो भी एक इमोशनल अटैचमेंट हमारे पास भरपूर है, और हम उनको एक केयरिंग और लविंग और इमोशनल अटैचमेंट के साथ में उनका सेवा करते हैं। और लालजी सर अगेन थैंक यू सो मच आपने इतना सारा सम्मान देने के लिए। यस, यहाँ पे जो थोड़ा बहुत पे कर सकते हैं तो पे करके आ सकते हैं, अगर नहीं है और बहुत दुखी है कोई माँ बाप तो हमारे यहाँ पे फ्री भी रह सकते हैं, आ सकते हैं। तो और किसी ने दो शब्द हो गया ना सबका, तो हमें जो ये फिर से बता दूं कि ये प्रोग्राम के लिए हमें संजय भाई माली का बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा है। 46 मंथ जो चालू है उसमें उनका यहाँ पे पूरा निष्प्रोही भाव से यहाँ पे जो हमें हॉल मिलता है, बाकी की सुविधाएं सब मिलती हैं, तो इस तरह से हम आप सब लोगों तक पहुंच पाते हैं। तो एक बार फिर संजय भाई के लिए तो तालियां बनती है। हम ये जो नीचे शुरू करें उसके पहले जो पुरुष वर्ग है उनकी ओर से एक जो हमारे आयुष्मान भारत कार के हैं केशव भाई, दो शब्द रखेंगे और बाद में हम नीचे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे। नमस्कार, मैं केशव मधुकर जोशी। आज तक मैंने जो काम किए थे और लायंस नारी उपस्थित सारे इधर के मंच पे जितने भी नारियां हैं इनको सबसे पहले प्रथम मैं नमस्कार करता हूँ। मैंने अभी तक ये जो कितने लोग हैं इन लोगों ने जो काम किया बहुत छोटा काम रहा जो आज के प्रोग्राम में लालजी सर कर रहे हैं। आज 450 किन्नर लोग को मैंने कलेक्टर की ओर से पहचान पत्र दिया, प्रमाण पत्र दिया, साथ ही संजय गांधी निराधार योजना पेंशन लागू की है। मैं निवेदन करूंगा नारी वुमन्स, आप लोगों को जब भी ऐसे कुछ लगे आप हमें बताइए, हम आपको 450 किन्नर आपके पास लाके खड़े कर देंगे। और लालजी सर आज आपने बताया कि ना जाति महिला दिन है तो नारी ना नर, आज ये किन्नर जिनका सम्मान आप यहाँ पर कर रहे हो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शतशा आभारी हूँ। धन्यवाद। अब
प्रजा आप ही रहिए, हाँ उनका भी बीच में सब दो शब्द सुनेंगे। स्विंग मशीन के लिए लोकेश आचार्य का परिवार आ जाइए और साथ में देंगे पूरा। हाँ दीपा ये सब जो चंद्रबेन थोड़ा मरी चेली बजा दीजिए जरूरी।